असलम डेर स्टूडेंट्स क्लास सिक्स की जनरल साइंस में आज हम यूनिट एट इनर्जी एनिट्स फॉर्म की एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वन है डिफाइन एनर्जी आंसर लेकें आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग दें इनर्जी की इसके बाद देखें द एबिलिटी टू डू वर्क इस कार्ड एनर्जी सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है नेम सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आंसर लेके आंसर को आप पॉइंट्स के फॉर्म में लेके पॉइंट वन साउंड टू लाइट थ्री इलेक्ट्रिकल एंड फोर केमिकल लास्ट वन इज फाइव वन इज हीट क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी विद एग्जांपल आंसर लिखें सबसे पहले आप हेडिंग दें काइनेटिक एनर्जी की इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें द एनर्जी प्रोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल में लिखें विंड मिल एंड मूविंग कार शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डू फॉर अस आंसर लिखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन्स अ लॉट ऑफ मशीन्स फॉर अस बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क क्वेश्चन नंबर फाइव है गिव एन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आंसर लिखें व्हेन करंट पासिस थ्रू हीटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी क्वेश्चन नंबर सिक्स है नेम सम ऑफ एनर्जी आंसर लिखें सन वाटर फ्यूल फ्यूल विंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वन है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी विद टू एग्जाम्पल आंसर लिखें सबसे पहले हेडिंग दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके बाद देखें दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एग्जांपल की हैडिंग दे एग्जांपल वन लिखें इन रेडियो इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी सेकेंड एग्जाम्पल लेके इन लैंप इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एंड लाइट इनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन नॉन रिन्यूएबल इनर्जी रिसोर्सेज एंड गिव इट्स एग्जाम्पल आंसर लिखें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दे सबसे पहले इसके बाद लिखें एन एनर्जी रिसोर्स दैट इज नॉट रिप्लेस और इज रिप्लेस्ड वेरी स्लोली ओनली बाई नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल इनर्जी रिसोर्स एग्जाम्पल की हेडिंग दें इसके बाद लेकिन ऑयल नेचुर गैस एंड कोल लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफाइन रीन्यूएबल इनर्जी रिसोर्स एंड गिव इट्स एग्जाम्पल आंसर लिखें रीन्यूएबल इनर्जी रिसोर्सेज इसके बाद लिखें रीन्यूएबल इनर्जी इज इनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एग्जाम्पल की हेडिंग दें इसके बाद लिखें सनलाइट विंड रेन एंड टाइड्स